अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, महमूद ज़ारा, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं अभी वीडियो का टाइटल। खान साहब की वीडियो है, वीडियो को सारा हिंदी में टाइटल है, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। दही के गवाही चीवरा, इधर है पंडित जी, दही चीरा ले आ। बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। यरूशलम किसकी राजधानी है? इजराइल। और फिलिस्तीन की राजधानी? रामाल्ला। फिलिस्तीन कितने भाग में बांट दिया है? दो। ये क्या कहलाता है? गाजा पट्टी को धीरे धीरे कब जाएगा? इन लोगों को अभी पता भी नहीं है। हम इन लोगों को समझाते हैं तो समझो में नहीं आता है। अभी ये क्या कर रहा है? यहाँ पर दीवार बना रहा है। क्या बना रहा है? दीवार। जब दीवार बना लेगा खूब बेहतरीन ढंग से तो कब्जा लेगा। पहले भी ये किसका था? इजराइल का। 2005 में आजाद किया था। और ये फिलिस्तीन पूरा नहीं है, इस फिलिस्तीन में तीन हिस्सा है, एक ए बी सी डी, वो उस किसका हिस्सा है? इजराइल का। फिलिस्तीन 13-14% में बचबे किया, जो 100% था कितना बच गया? 13-14%। समझ में आ गया कि नहीं? धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। अब कब्जा कौन कर लेगा? इजराइल। अरब वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास का है भी नहीं। सद्दाम हुसैन मारा था इन लोग को ना, सऊदी अरब वालों को, तो टैंक जो होता ना टैंक, छोड़ हज करने भाग गया था सब। हज करने भाग गया, उसको लगा कि यहाँ थोड़े ना मिसाइल हमला होगा। और धार्मिक जगह पे कोई मिसाइल हमला नहीं ना होता है, क्योंकि पता है कि धार्मिक जगह पे हो जाएगा तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया तो भाग गया था सब। यहाँ क्या लड़ेगा सभी सब? अब खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट वालों को ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है। समझा कि नहीं? आ गया। दही के गवाही चीवरा, आ इधर है पंडित जी, दही चीवरा ले आ। हम लोग तो दही चीवरा खाने में आगे ही रहते हैं लोग, नहीं समझा? बैले है सब पाकिस्तान वाला। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसको पूरी टेक्नोलॉजी देखना है तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। आयरन डोम पे समझ आ गया कि नहीं? तो पूरी तरह मिसाइल बम प्रूफ है। कौन? इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी है, इससे भी, और निचवा से किससे है? लाल सागर। निचवा से लाल सागर से। समझ में आ गया कि नहीं? इजराइल को एक बात का पता था कि ये सब नहीं लड़ पाएंगे सब इजराइल से, ये सब कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। ये तनी मनी टक्कर दे देगा क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, लड़ाई का क्या है, एक्सपीरियंस है, हम लोग से सीखा है। और कुछ भी है तो बाप का असर तो बेटा में रहता है, नहीं समझ में आया? बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। और दूसरा कि इसके पास परमाणु बम है, समझ में आएगी नहीं? एट लास्ट कुछ नहीं होगा तो फेंक देगा ससुरा। इस वजह से बस आदमी इसको रखता है, क्योंकि परमाणु बम की वजह से थोड़ा सा पावर। इसको पता है कि इसको टक्कर देगा तो ईरान के जितने परमाणु वैज्ञानिक हैं सबको हर महीने मारते रहता हूं। वैज्ञानिक हैं, ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, उड़ा देगा हमेशा। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के, इसका सेनापति था कासिम सुलेमानी, सेनापति को ड्रोन हमला में मार दिया। इसका सब एक फकीर ज्यादा था, एगो इसका वैज्ञानिक, मार दिया उसको ड्रोन हमला में। तो इसके जितने वैज्ञानिक थे सबको कौन मार दे रहा है? इजराइल। ये कर हम बदला लेंगे। अरे यार बदला लोगे तुम, यहां पर वो बैठल रहेगा। समझ में आ गया नहीं? आ गया। ये चौपट करते, लेकिन एक बात पता था इजराइल को कि ये सबसे लड़ लेगा, मिस्र से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मिस्र के पास बहुत मजबूत सेना है। दूसरा, मिस्र का साथ सब लोग दे देगा। सृजन समझिए, मिस्र जो है ना वो स्वेज नहर पे है, यानी ये नहर बंद नहीं होना चाहिए। ये नहर बंद हो गया तो दुनिया का व्यापार रुक जाता है। पिछले साल मार्च में ये नहर लगभग एक हफ्ता के लिए बंद था, पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी, पूरा जाम लग गया था समुंदर, युद्ध होगा तो ये नहर बंद हो जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किसको मिल जाएगा? मिस्र को मिल जाएगा। तो इजराइल ने ना कब्जा कर लिया, किसको? मिस्र को कब्जा कर लिया। मिस्र का वह भाग जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में है, जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में, वो त्रिभुज के समान है। इसका नाम है प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप।
यानी मिस्र का यह भाग जो इसराइल से सटा है क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? सिनाई प्रायद्वीप। तो इसराइल ने किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप पर। किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई। मिस्र का तो हालत खराब हो गया। देखिए, इसराइल को पता था कि मिस्र के जो टैंक हैं वो महज 1 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं, और खुली लड़ाई में टैंक काम आते हैं। आप देखिएगा यूक्रेन में कौन घूम रहे हैं सर? टैंक। अब जो मिस्र के टैंक थे वो 1 किलोमीटर मार कर सकते थे, और इसराइल के टैंक 1.5 किलोमीटर, और सामने खड़ा था इसराइल वाला का, आ बेटा आओ आओ, वो मार रहा है तो 1 किलोमीटर, ही मार रहा है 1.5 किलोमीटर, मार के ध्वस्त कर दिया किसको? मिस्र को। अब मिस्र के किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। किस पर? सिनाई। इतना होशियार है, इतना होशियार इसराइल, भाई अरब देश वालों के पास तो उतना दिमाग ही नहीं है। सिनाई प्रायद्वीप प्यार से वापस भी कर दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट कराया कि इसराइल और अरब देशों के विवाद में मिस्र हमेशा इसराइल का साथ देगा। इसराइल और मिस्र कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस्र इसराइल को समर्थन करेगा, तब हम सिनाई प्रायद्वीप वापस करेंगे। तो हारने के बाद आपका जमीन वापस मिल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे के लड़ाई में पड़ने का? दिमाग देख रहे हैं? तो बहुत बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो कर क्या किया? युद्ध किया, और क्या कब्जा कर लिया? सिनाई प्राय। अब उसके बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आएगी नहीं आ गया? क्या इन सब के पास इतना दिमाग है? सर ये लोग तो बहुत दिमागी हो गए। इसराइल वाले बहुत दिमागी होते हैं, बहुत दिमागी। विश्व का दिमाग, सबसे तेज दिमाग किसका माना जाता है? इसराइल का। उसका दिमाग बेचिएगा तो सबसे सस्ता बिकेगा, क्योंकि सब यूज कर गया है, और सबसे महंगा दिमाग इन सौ का बिकेगा। अभी तक यूज नहीं हुआ, नया है एकदम। हाई तो अभी ये मुर्गा लड़ा रहा है सब, अफगानिस्तान वाला मुर्गा लड़ा है। ये सबका उतना दिमाग नहीं है। समझ में आ रहा है? बड़ी खुशी से देख रही है कि मतलब कोई तो मिला तुम्हारे दिमाग का। यहाँ बहुत मिलेंगे सर तुम्हारे दिमाग के, इंडिया में ही तुम दोनों के दिमाग का। ऐसा थोड़ी विदेश जाना पड़ेगा। ये खुश होकर देख रही है, चलो कोई तो बकलोल मिला। तो जी वीडियो ये खत्म। सबसे पहले मैं खान सर बड़े हाई स्टैंडर्ड के स्कॉलर हैं, लेकिन जो बात आपको सच की हो, जो भी हो सामने उसको कह देने में ना कोई झिझक रखें और ना कोई डरें। सबसे पहले खान साहब ने एक बात की कि जो इंडिया का बेटा है पाकिस्तान। और दूसरी बात रही इसराइल की, नो डाउट वो बात हम सब करते हैं। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं ना, वो इसराइल के लोगों को मिल रहे हैं। उधर कम अज़ कम जो मैंने सर्च की 95+ उधर जो एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट है, जो इसराइल का 95+ लिटरेसी रेट है, और उनके सबसे ज़्यादा जो नोबेल दुनिया में कोई भी लेता है ना, वो इसराइल के लोग लेते हैं। इस समय बिल्कुल मैं कहता हूँ एक नुकसान भाई, मैं भी खान साहब की हर बात से इत्तेफाक है। इंडिया हमारा बाप है वो भी मैं मानता हूँ, इसराइल के दानश्वर लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, मैं वो भी मानता हूँ। भाई मेरी बात सुने ना ये रुखसात भाई, इतने बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं और एक छोटा सा इसराइल है, उसने अपने मेहनत के सर पर उन्हें तलीम पर जोर दिया है, और उन्होंने अपनी इतनी माशी हालात इकॉनमी इतनी स्ट्रांग की है कि उससे उन्होंने अपना जो है डिफेंस सिस्टम, वो अपना जो मिसाइल है उधर गिरने पर वो नहीं गिरने देता। जो बात खान साहब कर रहे थे कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है ना, वो जब चेक करता है ना कि मिसाइल सिस्टम आपके पास आता है, वो आबादी पर आबादी पर हमला करता है, वो उसको हवा में गिरा देता है, और जो वो चेक करता है कि जो खुली जगह पर जाता है उधर पर वो उसको नहीं बना गिरने देता है। वो उनका जेन की बात है ना कि उन्होंने अपना इतना सा छोटा सा मुल्क है और पूरे वो अरब जो है मुस्लिम मालिक उसको वो नहीं फतह कर सकते, और पाकिस्तान को एक उसको नुकसान था कि वो एटमी ताकत है, वो उस पर बात इतनी सी है कि ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी यही मुसलमान जितने 800 साल इस पूरे खत्ते पर हुकूमत की थी,
और मेरे मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, इन मुसलमानों को फिर हुआ क्या है कि इन्होंने हुकूमत की है इस वक्त, क्या हालात है पूरे मुल्क सारे जलील हो रहे हैं, सारे ममालिक जलील हो रहे हैं। हर अरूज को सवाल है, हर सवाल करूंगा, मुख से बात को दो टोक आज मुसलमानों का सदर सदाम के साथ क्या हुआ है, सदर कजाफी के साथ क्या हुआ है, सारे जलील हो रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, शुरू से लेकर तेरे मुसलमान जो हम मुसलमान है हमारा ईमान बिकाऊ है था कि नहीं, बिल्कुल शुरू से लेके ईमान बिकाऊ था, इसकी वजह से दूसरी कौमों ने फायदा उठाया। आप देख ले एक ड्रामा चला अर्तुगरुल गाजी, उसके अंदर मैंने वो मुकम्मल देख रहा हूँ, उसके अंदर उकसार भाई मैंने ये देखा है हर जगह जहाँ भी वो कबीला अर्तुगरुल लगाता है जाके अपना, उसके अंदर कोई ना कोई खुद का ही मतलब बंदा एक टूट बन जाता है, वो पैसे लेके बिक जाता है, अपने को ही मरवाते रहते हैं, अपने बच्चों को अपने माल डंगर को मरवा देते हैं, मवेशियों को मरवा देते हैं सिर्फ पैसे की खातर, यही हमारी कमजोरी है। अगर मुसलमान ईमान पे तकड़ा खड़ा हो जाए दुनिया में कोई बंदा इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, कोई लड़ नहीं, कोई जंग नहीं जीत सकता, बस हमारी कमजोरी है पैसा, इन किसी की किसी के पास कितना पैसा क्या है पैसा भाई, अरबों के पास बहुत ज्यादा, तो वो भी तो देख मेरा भाई उनको कहाँ लगाया हुआ है, उनको कहाँ लगाया है, एजेंसी पे लगाया, अमेरिका में जाते हैं किसी भी कंट्री में जाते हैं एजेंसी पे लगा देते हैं अपना मतलब निकाल लेते हैं, आज देख पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, ये भाई आप सारे का सारा पैसा यूरोप का किधर पड़ा है, सारे जो मुस्लिम ममालिक है एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं अपने आप को भाई, समझते नहीं वो भी मेरा भाई वो भी साजिश के तहत उन्होंने कहीं सबको लड़ाया हुआ है, किसी को लड़ाया हुआ है। मुझे एक मिसाल में जो हरमे काबा का इमाम है उसका मुझे नाम नहीं अब याद रहा, उसकी एक वीडियो में देख रहा था, वो उसके जो ये नहीं होते हैवी बाइक मोटरसाइकिल उनके थोड़े से हैंडल ऊपर होते हो और उसके उसने हाफ स्लीव पहनी हुई थी और हैवी बैग मोटर पर साइकिल पर और मामा भी सर पर नहीं था और इस तरह जा रहा था जिस तरह एक उबाश लड़के नहीं होता जवान, तो मैं हैरान और दंग रह गया था कि ये हमारे हरम के ये पासदार हैं ये इस तरह के होंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा, इसके पीछे जो होंगे वो क्या सोचेंगे, हमारे इमाम इस तरह के होंगे फिर क्या होंगे, यही भाई यही बात है रुखसार भाई, जब तक मेंबर से आवाज़ ठीक नहीं आएगी ना उस वक्त आप इस तरह ही रहेंगे, जो इसराइल छोटा सा मुल्क है उन्होंने तलीम पर जोर दिया है, अपने जो उन्होंने इंजीनियर पैदा किए उन्होंने मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग इकॉनमी किया है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरे एशिया में, तो कहता हूँ छोटा सा मुल्क कोई भी नहीं बाबू, तो पाकिस्तान जो अरब मालिक है उनके पास पैसा होने के बावजूद उन्होंने तलीम पर आप सीधी बात मानने पर नहीं आ रहे थे, हम मेहनत करना छोड़ गए हम तलीम पर जोर ही नहीं दे रहे, बंदा क्या सवाल कर देते यार, हम वो ही तो मार रहे हैं, क्या नहीं मार रहे हम, हम मार रहे हम हमारे एशिया के भाई एक तरक्की मानने दे भाई, पैसा है मानना तो सही ना कि एक तरक्की कर रहा है तो ठीक है भाई, हम इधर लिख के दे फिर मानेंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ जो उस पर कहते हैं कि वो हमें हमला कर रहे हैं उसके मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान ही कह रहा है कि हम इसराइल यार गुनाह बात सिर्फ इतनी सी है, हम ऐश मस्त हैं, हमारे जितने मुस्लिम ममालिक है पैसा है वो बैर वर्ल्ड बैंक में पड़ा है अमेरिका में पड़ा है, ऐश मस्ती करने जाते हैं करके आ जाते हैं, उन्हें कोई कंट्री की वो स्ट्रॉन्ग है अरबी ममालिक भाई, वो अपनी ऐशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बच्चों को देख ऐशी और आराम, हम सोच भी नहीं सकते वो कितने अमीर हैं, लेकिन भाई उनको लगाया है उन्होंने किले रहे बस औरतें याशी पैसा निछावा दो गाड़ियाँ लो एरोप्लेन लो वो लो ये लो बस ये ही उनका काम है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल मेहनत करोगे तो कामयाबी पाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे और एंड पर एक बात नहीं करता आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले में सन्नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।